गोल लगातार समाचार बक्सर सभा रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी। उप विकास आयोग के द्वारा समाहरणालय के सभागार में नीलामी कई गई गाड़ी 11:30 बजे कार्यक्रम भइल। अब खबर विस्तार से सुनी। उप विकास आयुक्त यानी कि DDC योगेश कुमार सागर के द्वारा समाहरणालय के सभागार में गाड़ी के नीलामी 11:30 बजे कइल गइल। उप विकास आयुक्त बतैनी कि नीलामी में कुल 15 गो गाड़ी नीलाम भइल। नीलाम भइल गाड़ी में 4 चक्का 3 गो गाड़ी आ 2 चक्का गाड़ी, 11 गो मोटरसाइकिल, 1 गो साइकिल के नीलामी भइल, 1 गो साइकिल के नीलामी भइल, 11 गो मोटरसाइकिल के भइल, जौना में कुल नीलामी में 15,04,800 रुपया प्राप्त भइल। सबसे अधिक बोली स्कॉर्पियो गाड़ी पर लगावल गई, जेकर बोली 10,22,000 तक पहुँचल। नीलामी में बतावल गई बा कि नीलामी के अगला बोली 12/1/2021 के समाहरणालय के सभा कक्ष में रखल गई बा। नीलामी में जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर, उत्पाद अधीक्षक बक्सर, नजारत उप समाहर्ता बक्सर और प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा उपस्थित रही। बता दी कि नीलामी के प्रक्रिया 28 तारीख के सम्पन्न कई गई। यह नीलामी के प्रक्रिया के खबर जैसे ही चलल बहुत लोग पहुंच गए थाना पर, लेकिन भोजपुरिया समाचार उरा सब के बता देता कि थाना से नीलामी ना मिली। रोरा सब के बक्सर समाहरणालय में जाए के पड़ी, वजह चिपकावल रही कि कौन कौन गाड़ी के नीलामी होखे के बा। एकरा खातिर कुछ पहले से अग्रधन जमा करे के पड़ी, अग्रधन माने एडवांस पैसा जमा करे के पड़ी। एकरा बाद बोली लगावे के बाद, बोली लगैला के बाद जेकर अधिक से अधिक बोली हो नीलामी के प्रक्रिया में ओकरे के गाड़ी मिली। ऐसे ही में एगो स्कॉर्पियो 10 लाख में बोली लगावल गई, जेकर नीलामी भइल। बता दी कि भोजपुरिया समाचार उरा सबके पल पल के अपडेट देत रही। अगला नीलामी के जौन तारीख बटुए 12 तारीख के बटुए, 12 तारीख के अगला नीलामी होई। एकर जे अधिक से अधिक बोली लगाई उ लोग के ई गाड़ी दे दिहल जाई। ई बात उप विकास आयुक्त योगेश कुमार सूचना देनी। बता दी कि लगातार भोजपुरिया समाचार उरा सबके पास अच्छा से अच्छा खबर, बढ़िया से बढ़िया खबर पहुँचाबे के प्रयास करता है। ऐसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करी। धन्यवाद।